हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वह मैच खेला जाएगा दोस्तों मुंबई इंडियंस और यहां पर बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। इस मैच की आप लोगों को पिच रिपोर्ट बताने वाले हैं, किस प्रकार की पिच रिपोर्ट रहेगी, साथ में दोस्तों आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की किस प्रकार की टीम बना सकते हैं वह भी आप लोग यहाँ पर बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को और बातें बता दूँ, जब कल दोस्तों डबल हेडर मुकाबला खेले गए दो, तो दोनों की दोनों मुकाबलों की मैंने जो वीडियो बनाई हुई थी उनके अंदर, वीडियो के ही अंदर दोस्तों बात करूं, जो खिलाड़ी मैंने बताए हुए थे ट्रम्प कार्ड और जो टीमें मैंने प्रोवाइड करवाई थी दोस्तों, उन्होंने धमाका मचा के दिया है। जिनको हमने कैप्टन बनाया, जिनको वाइस कैप्टन बनाया, दिन वाले मैच की बात करें तो सर रविंद्र जडेजा उनको कैप्टन रख दिया था हमने, 3 विकेट लिए और दोस्तों स्कोर भी किया। रात में दोस्तों सुनील नारायण को हमने कैप्टन रखा था और दोस्तों 11 की 11 खिलाड़ी किस कॉम्बिनेशन के साथ हमने दिए थे ना, मतलब मज़ा आ गया दोस्तों। और बहुत से लोग इधर बोलते हैं कि सर आप 20 से 21 टीम तो देते नहीं है, ग्रैंड लीग किस प्रकार जीतेंगे, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, 3 टीम अगर भी आप लोग बना रहे हैं, मात्र 3 टीम ग्रैंड लीग की, तो भी आप लोग यहाँ पर जो ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। और बहुत से लोगों का कमेंट्स भी आ रहा था कि सर इधर जो है जो पैसे हम लोग जीत रहे हैं क्या हमारे सेफली बैंक अकाउंट में आएंगे, तो उनको बता दूं वह पैसा जो है पूरा को पूरा आपके बैंक अकाउंट में सेफ लिया जाएगा, 30% जो कट जाएगा, इधर जो है सरकार उस पर टैक्स लगा देगी, उसके बाद पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो निश्चिंत रहें, कोई भी फैंटेसी ऐप अगर आप लोग खेल रहे हैं तो बिल्कुल सेफ आपका पैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मैच की, इस मैच में भी आप लोग किस प्रकार की अपनी ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं ताकि दोस्तों आप लोग जो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकें और अपने को सिर्फ दोस्तों ग्रैंड लीग के माध्यम से पैसा छापना और कुछ नहीं। कौन कौन से खिलाड़ी आपके लिए ट्रम्प कार्ड रहेंगे, किनको टीम में पिक करना है, किनको टीम में पिक नहीं करना है, चलिए दोस्तों पूरी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच 6 तारीख को 7:30 बजे से यह मुकाबला खेला जाना है। इस मैच के दोस्तों बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, यहाँ पर रेड लाल मिट्टी की पिच दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों बैटिंग पिच है, एवरेज स्कोर की बात करें तो 170 रन एवरेज स्कोर बनते हैं और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 235 रन 1 विकेट के नुकसान पर बने हैं। लोएस्ट स्कोर 67 रन है 10 विकेट के नुकसान पर, सबसे कम दोस्तों 67 रन बने हैं 10 विकेट के नुकसान पर, इस प्रकार का जो है दोस्तों बात करें तो लोएस्ट स्कोर है। आगे दोस्तों टोटल मैचेस की बात करें तो 116 खेले गए हैं वानखेड़े स्टेडियम की, हम लोग जो दोस्तों बात कर रहे हैं टोटल मैचेस 116 खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर जो है 53 मुकाबले जीते हैं और जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसने यहाँ पर 63 मुकाबले जीते हैं, एक भी मुकाबला दोस्तों बात करें तो यहाँ पर टाई नहीं हुआ है, इस प्रकार का पूरा पिच रिपोर्ट है। आप लोग देख पा रहे होंगे 116 मुकाबलों में से 263 जो है बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते, 53 जो है पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो रिकॉर्ड है क्रिकेट के, और जब फैंटसी पर बात आती है तो ये रिकॉर्ड जो है धरे के धरे रह जाते हैं और हमारी जो टीम फ्लॉप भी हो जाती है जब हम दोस्तों इनके ऊपर जो टीम बनाते हैं। आपको दोस्तों क्रिकेट के स्टेट्स के ऊपर टीम नहीं बनानी है, एक बार सिर्फ देख लेना है कि क्या रिकॉर्ड रहा है और यहाँ पर जो है किस प्रकार की पिच रहेगी, बस इतना ही जानकारी लेनी चाहिए कि बैटिंग पिच है बॉलिंग पिच है। तो बैटिंग पिच है तो अपने को पता ही है वानखेड़े स्टेडियम की उछाल वाली पिच, तो वहाँ पर दोस्तों तेज गेंदबाजों के साथ साथ अपने को जो है अच्छे खासे बल्लेबाज पिक करने होंगे अपनी टीम में। तो किस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग अपनी टीम बनाएंगे, चलिए आगे आप लोग वीडियो में बता देता हूँ और सीधी 3 टीमें ही बना देता हूँ दोस्तों। इधर मात्र 9 से 10 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए तुम्हारा भाई लेकर आया है, उसमें दोस्तों आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार की आप लोग अपनी टीम बना सकते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी ट्रम्प कार्ड रहेंगे, और सीधी इस बार टीम ही बनाकर बता दूं, मात्र 3 टीम जिनसे आप लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। ग्रैंड लीग खेल रहे हो, स्मॉल लीग खेल रहे हो, 3 टीम से दोस्तों अगर आप लोग कोई भी एक टीम लेकर उठाकर स्मॉल लीग भी खेलेंगे तो वहां पर भी आप लोग बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। पेसर और स्पिनर्स की बात करें तो दोस्तों पेसर्स को यहाँ पर जो देख लीजिए, जैसा मैं बोल रहा था पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद रहेगी, 10 विकेट मिले हुए हैं, स्पिनर्स को यहाँ पर 2 विकेट मिले हैं। यहाँ पर लास्ट के कुछ जो मुकाबले हुए हैं दोस्तों बैनवी पर उनकी हम लोग जो बात करें, पेसर्स को 10 विकेट हैं और स्पिनर्स को 2 विकेट मिले हुए हैं। आगे दोस्तों बात करें अपने हेड टू हेड रिकॉर्ड किस प्रकार का है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का, तो टोटल दोस्तों 10 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबला दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो टाई हुआ है 10 में से दोस्तों बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम 6 और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 3 मुकाबले। लेकिन ये दोस्तों आप लोगों को पलटता हुआ नजर आ सकता है, आज जो है दोस्तों मुकाबला खेला जाएगा मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ पर अगर भाई सनराइजर्स हैदराबाद की टीम चल गई, इनके बल्लेबाज चल गए, तो आप लोगों को पता है 300 भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 287 बना चुके हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ, 278 बना चुके थे दोस्तों एक बार, तो हो सकता है ये मुकाबला भी हाई स्कोरिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, 200+ तो देखने को मिलेगा, ये तो 100 से 10% गारंटी है दोस्तों, 200+ तो आप लोगों को ये मुकाबला जो देखने को मिलेगा ही।
तो मुंबई इंडियंस की टीम भी दोस्तों धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, अब दोस्तों देखना होगा ईशान किशन, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या ये कितना अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं। जसप्रीत बुमराह तो फॉर्म में है ही, और दोस्तों इनका वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन हुआ है, जसप्रीत बुमराह हो गए, रोहित शर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए दोस्तों, तो इनका चलना बहुत जरूरी है मुंबई इंडियंस के पहलू से दोस्तों। और हाँ, वहाँ पर भारतीय टीम के पहलू से भी हार्दिक पांड्या बतौर वाइस कैप्टन गए हैं दोस्तों टीम इंडिया में, तो ये रिकॉर्ड आप लोगों को चेंज होता हुआ अभी नजर आ सकता है। प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करेंगे, संभावित प्लेइंग इलेवन किस प्रकार की रहेगी दोस्तों मुंबई इंडियंस की, तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, निहाल वडेरा, मोहम्मद नवीद, जरार कॉटजी, जसप्रीत बुमराह और पीयूष चावला, ये 11 खिलाड़ी आप लोग खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों। बात करें तो मुंबई इंडियंस के खेमे से, जहां पर दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ी आप लोगों के ट्रंप कार्ड रहेंगे, किनको टीम में पिक करना है, यहां पर बात करेंगे दोस्तों हार्दिक पांड्या की, जो बैटिंग में एकदम फ्लॉप हो रहा है लेकिन बॉलिंग से हमको पॉइंट्स दे रहे हैं, तो क्या इनको कैप्टन रख देंगे, क्योंकि एक मैच अभी तक एक भी मुकाबला ऐसा नहीं है मुंबई के सीजन में जहां पर हार्दिक पांड्या ने दोस्तों अपने दम पर मुकाबला जिताया हो, तो एक ऐसी पारी दोस्तों इनकी आने वाली है, तो ये बड़े खिलाड़ी रहेंगे दोस्तों इस मैच के लिए हमारे लिए। और सूर्य कुमार यादव दोस्तों ये तो चमकते हुए सितारे हैं, इनकी तो बात ही नहीं कर सकते दोस्तों, शानदार फॉर्म में रहते हैं हमेशा से। और जसप्रीत बुमराह की बात करें, इस टीम के दोस्तों सबसे अहम खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए दोस्तों इस सीजन में, तो क्या इन खिलाड़ियों को दोस्तों किस कॉम्बिनेशन से पिक करना है, मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से किस किस खिलाड़ी को टीम में पिक करेंगे, चलिए आगे सीधा आप लोग टीम बनाकर बताए थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करें किस प्रकार की रहेगी संभावित प्लेइंग इलेवन, तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मराक्रम, हैरिक क्लासन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, नितेश रेड्डी, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकर और टी नटराजन, ये 11 खिलाड़ी आप लोग खेल जो नजर आ सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में, जिनमें दोस्तों हमारे लिए शानदार खिलाड़ियों की बात करें दोस्तों, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ियों की बात करें दोस्तों, यहाँ पर नितेश रेड्डी हो गए, बॉलिंग में बात करें दोस्तों यहाँ पर पैट कमिंस हो गए, यहाँ पर दोस्तों हैरिक क्लासन, टी नटराजन है बॉलिंग में दोस्तों, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ये सारे खिलाड़ी दोस्तों इसकी तो मतलब पूरी टीम ही फॉर्म में चल रही है, कोई भी खिलाड़ी कहीं पर भी आकर प्रदर्शन कर देता है, तो किनको पिक करना है टीम को, मैं किनको पिक नहीं करना है ये चलिए सीधा आपको बता ही देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक अपने भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को फाइनल टीम मिलेगी, और दोस्तों यहाँ पर फाइनल टीम मिलेगी टॉस के बाद, अपडेटेड टीम, तीन टीम ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग, अगर आप लोग खेलें तो स्मॉल लीग की अलग से एक टीम आप लोगों को मिलेगी, तो दोस्तों स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग तुम्हारा भाई धमाका मचा रहा है आईपीएल सीजन में, तो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग वीडियो को पूरा देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, तो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, उसको भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आप लोग फाइनल टीम मिलेगी, तो चलिए आप लोग अपनी किस प्रकार की टीम बनाएंगे उसके बारे में बात करें, लेकिन अपने भाई को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, जहाँ पर दोस्तों फैंटेसी से रिलेटेड किसी प्रकार कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग चाहिए तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, सिर्फ फॉलो करके मैसेज करना है, वहाँ पर आप लोग तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ये रहेंगी दोस्तों हमारी वो जो तीन टीमें रहेंगी भाई, तीन टीमें, तो किस कॉम्बिनेशन के साथ हमने ये तीन टीम बनाई हुई, चलिए बात करते हैं, पहली टीम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है पहली टीम के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पर हैरिक क्लासन बतौर विकेट कीपर हमने अपनी टीम में पिक किया है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, टिम डेविड, हार्दिक पांड्या, मार्को एंसन, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह और नोवन तोसरा, ये रहे दोस्तों हमारे जो है पहली टीम के 11 खिलाड़ी, इस टीम में हमने कैप्टन हार्दिक पांड्या को रखा है और वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा हमारे जो दोस्तों होने वाले हैं, तो ये रहे 11 खिलाड़ी, सबसे यूनिक टीम आप लोग देखने को मिल रही होगी दोस्तों, कैप्टन हार्दिक पांड्या आप लोग दाब खेल जाइए एक बार दोस्तों, ये 100 से 10% आप लोग प्रदर्शन करके देने वाले हैं, क्योंकि इस सीजन एक भी मुकाबला ऐसा नहीं आया जिसमें हार्दिक पांड्या ने अपने दम पर कोई मुकाबला जीता हो, तो ये मुकाबला वह मुकाबला साबित हो सकता है, तो कैप्टन हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा, ये दोस्तों इस कॉम्बिनेशन यहाँ पर विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में एक हैरिक क्लासन है और दोस्तों बैटर तीन, और दोस्तों यहाँ पर जो है अभिषेक शर्मा, टिम डेविड, ये भी बैटर्स हैं दोस्तों, यहाँ पर पांच बैटर्स हैं पिक किए हैं, दो ऑलराउंडर और तीन बॉलर, ये रही हमारी पहली टीम, सबसे यूनिक टीम, कैप्टन हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टन हमारे अभिषेक शर्मा। दूसरी टीम के बारे में बात करें दोस्तों तो हैरिक क्लासन और ईशान किशन हमारी टीम में, सूर्य कुमार यादव, टिम ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, के नितेश रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह, ये रही दोस्तों हमारी सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत और सबसे दोस्तों अहम टीम, जिसमें कैप्टन सूर्य कुमार यादव, वाइस कैप्टन हैरिक क्लासन, भाई साहब इस प्रकार की अगर आप लोग टीम बनाते हैं तो और क्या चाहिए, ग्रैंड लीग और किससे जीतेंगे, मतलब क्या कोई और अलग से टीम दे देता है, टीम तो इसी कॉम्बिनेशन से दे, इस कॉम्बिनेशन से अगर कोई टीम नहीं दे रहा है तो जान लीजिए आप लोग तो जीत ही नहीं सकते, ये थोड़े से रिस्की जरूर कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोस्तों इस कॉम्बिनेशन से अगर आप लोग गए तो 100 से 10% आप लोग ग्रैंड लीग जरूर जीत सकते हैं, तो इस टीम को तो अभी के भी कॉपी पेस्ट करके जरूर लग ले दोस्तों, जिसमें कैप्टन सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन हमारे हैरिक क्लासन है। आखिरी और जो फाइनल टीम रहेगी उसके बारे में बात करें तो हैरिक क्लासन, ईशान किशन बतौर विकेट कीपर हमारी टीम में है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, के नितेश रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, टी नटराजन और जेरॉल्ड कॉटजी, इस टीम में दोस्तों कैप्टन हमारे ट्रेविस हेड हैं और वाइस कैप्टन हमारे ईशान किशन होने वाले हैं। ईशान किशन का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहता है दोस्तों, बात करें तो यहाँ पर जो है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, तो ईशान किशन वाइस कैप्टन, ट्रेविस हेड कैप्टन, ये रही दोस्तों हमारी तीन और यूनिक टीम,
इन तीनों टीमों को आप लोग अपनी टीम में अभी के अभी कॉपी पेस्ट करके रख लेना दोस्तों, अपनी फैंटेसी की आप लोग जो भी टीम बना रहे हैं, अगर ग्रैंड लीग खेलना है तो तीनों की तीनों टीम को अभी के अभी कॉपी पेस्ट करके रख लें। और आप लोगों को बता दें, लिंक डिस्क्रिप्शन दी है हमारे टेलीग्राम चैनल की, जहाँ पर आप लोगों को फाइनल टीम मिलेगी टॉस के बाद, तो उसको जरूर जल्द से जल्द ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर टीम मिलेगी आपको तीन ग्रैंड लीग की और एक स्मॉल लीग के अलग से। तो स्मॉल लीग खेलना है, ग्रैंड लीग खेलना है, ग्रैंड लीग जितना चाहते हैं। अब तक दोस्तों आईपीएल सीजन खत्म होने पर आ चुका है लगभग दोस्तों, 15 से 16 मैच लीग के बचे हैं और दोस्तों 4 प्लेऑफ्स के। तो अगर अब तक अगर आप लोग ग्रैंड लीग नहीं जीत पाए तो अपने भाई के साथ जुड़िए और ग्रैंड लीग जीतिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के पास टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, यहाँ पर ग्रैंड लीग की 3 टीम मिलेंगी, स्मॉल लीग की मिलेगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर दोस्तों आप लोग ग्रैंड लीग जीतना चाह रहे हैं तो अभी के भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।